आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा की ये है कि एक पुराने कांग्रेसी अब्दुल जब्बार को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। इस संबंध में हमारे साथ हैं बातचीत के लिए आबिद हुसैन, नगर अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी। आबिद भाई, बताइए आपने ये निर्णय किस लिए लिया है और क्या बात थी ऐसी कि अब्दुल जब्बार को पार्टी से निकालना पड़ गया? ये निर्णय जो है अनुशासन समिति शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा लिया गया है। पहली बात तो ये है, 6 सदस्यीय समिति है, उन्होंने इनको निष्कासित किया है। 2-3 बार इनकी कम्प्लेट पहले जा चुकी है 2012 से अब तक, और पिछले साल भी भेजी गई थी। इन्होंने अभद्रता की थी सीनियर कांग्रेस जनों से, जिला कांग्रेस कमेटी में, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष के सामने। मगर इसकी प्रकाश जब हुई 29 जून को, इन्होंने मावन में, बलदेव विधानसभा क्षेत्र मावन में एक मीटिंग बीजेपी के एमएलए श्री पूरम प्रकाश जी की हुई थी जी। तो उसमें इन्होंने अपने बीजेपी के मंच पे खड़े होकर के भाषण दिया और उसमें ये कहा है कि मैं लगभग 1 महीने से प्रयासरत था बीजेपी अपने विधायक पूरम प्रकाश जी के लिए मीटिंग कराने के लिए क्षेत्र के लिए। वो मावन में पूरम प्रकाश विधायक जो है हमारे बीजेपी के, उनके मंच थे, बकायदा बीजेपी विधायक जी भी मौजूद थे वहाँ, बीजेपी के और भी बीजेपी के साथी मौजूद थे और मंच में बीजेपी का बैनर लगा हुआ था। इन्होंने एक मिनट आदित भाई आपको जरा सा रोक रहे हैं, आपको थोड़ा सा एक सेकंड उनकी बात सुनवाते हैं कि वो क्या फरमाते हैं जी। अब्दुल जब्बार जी, हेलो जी, जब्बार भाई आपको हम जोड़ रहे हैं आबिद भाई। कामरान बोल रहा हूँ मैं भी। हाँ, एक मिनट जरा उनसे तुरंत बात कराइए, तुरंत एक मिनट। हेलो, हाँ हाँ बताइए, क्या कहना है आपका अब्दुल जब्बार जी की जो ये कार्यवाही हुई है उसकी आपको जानकारी है और आपने स्वीकारोक्ति की है? मैंने तो ये अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे क्लास नोटिस जारी किया है, अनुशासन समिति ने किया है जानकारी जी। मेरी जानकारी में नहीं है किसी भी सरकार का, कोई उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मेरे खिलाफ कोई अनुशासन समिति की ओर से कोई कार्रवाई की गई है। ये मथुरा नगर जो कांग्रेस कमेटी है उसकी अनुशासन समिति ने संस्तुति की थी, पहले भी आप अनुशासनहीनता करते रहे हैं ये कहना है नगर अध्यक्ष जी का, और अभी आपने 29 जून को पूरन प्रकाश जी के साथ एक मंच साझा किया जो भाजपा के विधायक हैं वर्तमान में, और ये जी जी ये सब देखा मनगढ़ंत कहानी है। मावन में एक आरंभ रहते हैं, मावन जो की बलदेव विधानसभा क्षेत्र में आता है, उन्होंने मैं वहाँ पर उनके प्रोग्राम में था, वहाँ उनको भी मैच लगा था, उन्होंने दोनों बैठे हुए थे, किसी ने बात करके फोटो डाल दिया हरियाणा से, उसमें तो इसमें मेरा कोई दोस्त है नहीं ना, मैंने कहीं मतलब कभी मैंने कभी कांग्रेस के अलावा किसी पार्टी में कभी ध्यान किया ना कभी किसी का काम किया, उसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी किसी तरह की। तो फिर ये नगर कांग्रेस कमेटी की क्या आप नगर कांग्रेस कमेटी का आज मेरा किसी तरह का आज नहीं, तीसरे साल से किसी तरह का सरोकार नहीं है। इस आदमी ने मुझको कैसे उधार ले रखे हैं और मैं अपनी कैसे मांगे इनके कमिश्नर की लड़ाई, किसने पैसे उधार ले रखे हैं आज ने? अच्छा, वो पैसे को मैंने जब इतना अपने पैसे वापस मांगे तभी पार्टी ये मानता है मुझको। कितने रुपए उधार ले रखे हैं? 40,000 रुपए से कुछ ज्यादा नहीं। 40,000। और आप तो अभी अनौपचारिक बात की थी, कुछ और भी कह रहे थे इसी मैं ये कह रहा था कि ये प्रतीक मा तो आज दूसरे दोनों हमेशा से कांग्रेस को जो भी घोषित प्रत्याशी होते उनका ये सभी से विरोध करते आए हमेशा से। अच्छा, उन्होंने विजय सेठ का भी विरोध किया, मानवीन सिंह जी का भी विरोध किया, श्याम सुंदर सिंह जी का भी विरोध किया, और
वृंदावन में कृष्णा गोस्वामी है उनका विरोध किया, का विरोध किया और मैं इस विरोध में रहता हूँ तो उनके खाते को निकालने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। मतलब इनके द्वारा अनियमितताएं बढ़ती जाती हैं जो आदित हुसैन और इनके जो कांग्रेस के जो भी अधिकृत घोषित प्रत्याशी गए हैं उन सबका ये हमेशा विरोध आए हैं। कौन है मैं कभी इनका इतना साथ नहीं दिया है लेकिन इसको अपने राष्ट्र से हटाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। अच्छा, अब आदित भाई यदि हम आपसे जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे ये जो पूरी बातें आपने कही है? तो अब पहले मुझे नोटिस प्राप्त होने पर मैं उसका जवाब दूंगा। जी तो अभी मुझे कोई नोटिस प्राप्त हुआ नहीं है। जी आदित भाई साहब ये इसके साथ साथ जो मैं बता दूँ तीन मात्र इंदिरा गांधी को उसमें आएंगी है जिन्होंने भी मेरे जीजा हैं उनको टेलीफोन पर मेरे लिए बड़ी बड़ी धमकियां दी कि मैं भक्तों के द्वारा से इसका मर्डर करा दूंगा। उसका तक कहा है। अच्छा, तो अब आदित भाई आपका क्या कहना है? ऐसा है, मैंने आपसे ये कहा था, इन्होंने ये कहा है महावन में नहीं थे, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ कि जो ये माइक से सभा को संबोधित कर रहे हैं पुरंदरदास जी के मंच से। मैं बात करता हूँ इसी में खत्म हो जाएगी और सब बात होगा तो और तो सब फालतू इल्जाम लगा के नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। जो 40,000 कोई मतलब ही नहीं, कोई मतलब प्रत्याशियों का विरोध किए जाने की बात है कोई। अरे आप तो दिख क्या रहे मुझे इसलिए दूसरे कांग्रेस में क्या कर रहा हूँ, बड़करी करता हूँ या क्या करता हूँ? टिकट मैं नगर पालिका क्या अभी मैंने तो वो टिकट बांटी नहीं है उसके। मैंने कहा भोला यहाँ को टिकट थी बिना पैसों के दी थी। एक आदमी कोई बता दे मुझे, ऐसा कौन आगे बता देगा जब टिकट नहीं कर तुम्हारे इल्जाम तुम्हारे दूसरे इल्जाम नहीं 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 बीजेपी के मंच से भाषण दिया ये कहा है मैंने माइक से मंच से भाषण क्या दिया था मैंने? हाँ मेरे पास कहा था कि मैं तो कांग्रेस और ये क्या नाम है बीजेपी में दोनों के रास्ते अलग अलग है समझे? नहीं तो वो भाषण नहीं जाना चाहिए आपको बीजेपी मंच से। नहीं मैंने भाषण दे दिया मैं बीजेपी छोड़ दी है वो कांग्रेस छोड़ दी है। भाषण आप बीजेपी मंच से कहा भाषण कैसे दे देंगे कांग्रेस हो गए? बीजेपी का मंच नहीं था आदित समय मंच है उसमें बैनर बीजेपी का है और सोशल मीडिया पे ये चलाता उसमें ये लिखा था राजू जी राजू की उसका सुनिए 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 अब आप सुनिए मैं शांति तो तुम्हारे कहने से क्या हो रहा है? मेरे कहने से भी होता तुम पैसे लेके टिकट काटी हमेशा कोई टिकट पैसे दिए कभी नहीं बटी कभी नहीं बटी कभी नहीं बटी मैं समझे और सबको टिकट ले गए कौन कौन ले गए को टिकट कहाँ से मिली जबकि वो कांग्रेस का साथी नहीं और आप कितने अरे झांसी का मतलब कौन किसे मिली क्या नहीं आप जो दी गई है उसमें क्या आप किस किस को दी गई नहीं आप किस किस को दी गई अरे आप किसको दी गई जो कांग्रेस सीट है उनकी काट के दूसरे दी गई कांग्रेस पदाधिकारी 15-15 साल से तो उनकी कटी फिर वो टिकट बांटने वाले टिकट बांटने की कहानी करे उन्होंने जो किया वो ठीक किया उससे हाँ तो बस तो वो मैं कह उनका मैं उनका आरोप नहीं लगाया कुछ भी मैं ऊंची बातों को छोटी बातों को नहीं किया करता हूँ और झूठी बातों को समझे मैं केवल ये कह रहा हूँ बीजेपी के मंच से मैं ये कहता हूँ बीजेपी के मंच से भाषण देना कांग्रेस के लिए शोभा नहीं देता है। भाषण दिया गया है बैनर बीजेपी का लग रहा है उस पर बीजेपी के एमएलए खड़े हैं वहाँ और तुम माइक से भाषण दे रहे हो बकायदा क्या कमाल है बीजेपी मंच पर क्यों भाषण दे रहे हैं आप? जब्बार भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सही बात हो रही है कि आपस में आप लोग सब क्लियर कर ले रहे हैं स्थिति हमको कुछ कहना नहीं पड़ रहा है। एक बात मुझे समझ में नहीं आई आपने बताया कि आप एक पारिवारिक कार्यक्रम में गए थे वहाँ पर सोफे पर बैठे हुए थे और ये आदित भाई बोल रहे हैं कि आप मंच पर बोल रहे थे इसका वीडियो है मंच में वीडियो है मेरे बचपन के दोस्त है और इनके पहले मेरे साथ कांग्रेस में थे ये आपको उन्होंने बीजेपी में चले गए मैं आज भी अपने कांग्रेस में हूँ अगर इसके अलावा जो सब कुछ हो
तो इससे नहीं लगता आपको कि आपने कहीं ना कहीं जो पार्टी की जो एक लाइन होती है उसको क्रॉस किया? बिल्कुल नहीं, एक बार बता, अब इनके जो नेता जी के यहाँ हमेशा सत्ता लाते हैं तो इनको फोटो निकलते हैं अखबार में, साथ में जी आपका ये कहना है कि जो नेता है बीजेपी के उनके साथ विधायक जी आदि के फोटो आते रहते हैं तो इसमें क्या बुराई है? खत्म होते हैं जब हम पूरा रिश्तेदारी खत्म, नातेदारी खत्म, ये थोड़ी होता है। जी जी जी, उसमें सोशल मीडिया पे ये कह रहा था बच्ची जी 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 जिनकी सोलो दल जी 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 सोशल मीडिया उनकी बात समाप्त हो जाए जब मैं बोलूँ। जी जी आप बताइए। हाँ ऐसा है, अगर कोई जनप्रतिनिधि है एमएलए और मंत्री की जाएगा वो तो एक अपनी जगह स्थान बात है। हम ये कहते हैं कि जो सोशल मीडिया पे 29 तारीख को वायरल हुआ जयाजुद्दीन राजू की वेबसाइट उसमें लिखा ऊपर ही कि कई सौ लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और उसमें इनका फोटो था, उस पर कमर चले तो मैंने उस पर ये कहा, मैंने कहा भाई क्लियर तो होने दो घोषणा किस किस में किए, ठीक है बैठे मंच पर ये है मेरे पास कटिंग पूरी संदेह, मगर जब वीडियो आया तो मुझे ही मजबूर होना पड़ा अनुशासन समिति बताने को, इस पर देखिए क्या करना सीधी बात है। वीडियो जब आप करो प्रदीप माथुर की मैं गुलामी करने वालों में से खुशियाँ नहीं हूँ, मंगता है जो कहे वो काम करो समझे भाई। भाई इतने दिन तुम रहे किसी लगता है जो कांग्रेस का हो तो मैं चलिए समझा ऐसा है, इसमें जब तुम संग रहे किसी ने गुलाम साहब को नहीं इस्तेमाल किया। अरे भैया जो करता होगा वो करता होगा, बीजेपी में गया जो फलाने में गया खुद करो ऐसा करना, जब आप कोई मुझसे मांगेगा जब दे दूंगा। अच्छा आरिफ भाई अब मुझे बता दीजिए कि अब इनको कांग्रेस में माना जाए या नहीं माना जाए, हाई कमान की इसमें किसी प्रकार की अभी हरी झंडी की तो कोई आवश्यकता नहीं है, अब ये कांग्रेस में नहीं है या कि अभी है? ऐसा है, जो पीसीसी आईसीसी सदस्य होता है या प्रदेश का पदाधिकारी होता है उसके ऊपर हाईकमान निर्णय लेता है, बाकी सब नीचे लिया जाता है जिला और शहर कांग्रेस समिति का निर्णय अनुशासन। ये अनुशासन समिति ने इनको निष्कासित कर दिया है, ये अपना क्लेम करे ऊपर ऊपर जाके करे क्लेम करना। और अब आपका क्या करें, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे अब्दुल जब्बार जी इस फैसले को स्वीकार करोगे कि अब आप स्वीकार कर लेंगे? इनको निकालने का राइट नहीं है ये आपका कहना है, यानी कि आप अभी भी अपने आप को कांग्रेस ही मानते हैं? अरे हम हमेशा कांग्रेस में हैं। चलिए और बस अब आखिर में एक सवाल मेरे कहने और है, अगर आप जवाब देना चाहें तो आगे भाई की ये 40,000 रुपए का अगर आप बताना चाहें तो आप पूछ लो के लिए क्यों आदित भाई? अरे ये बिल्कुल नितांत झूठ है, इनके 20-22,000 रुपए ऐसा है कि तुमको अपने बेटे की चलो सुनिए सुनिए पहले साल की सुनिए, जब आरोप आरोप लगाते तो सुनिए आरोप लगाते 22,000 रुपए स्वीकार करते हैं आप? बिल्कुल 3-2 रुपए इसके नहीं है, अभी 22,000 कह रहे थे आप कौन 22,000 कह रहे थे ना आप 22,000 मैं कह रहा हूँ ना ये बात सुन लीजिए पूरी, 4 साल पहले की बात है और माथुर साहब के माध्यम से इनको 25,000 रुपए दिए गए थे ब्याज 4 साल पहले जी, और बहुत लोगों को पता है ये, एक के नहीं अनिल को पता है ये बात, मतलब आपने रुपए चुका दिए फिर भी ये आपके तका 4 साल पहले विद इंटरेस्ट दिए 22 से 25। चलिए धन्यवाद आप। सुनो जी, पूरे शहर में कोई पदाधिकारी ऐसा नहीं है जो इनसे पैसे उधार ना ले रखे हो, जो इनसे पैसे मांगता है उसी से इनकी छटपट होती है। जी। तो बता दो किसी एक आदमी हो दो नहीं है किसी के दिनेश पाठक के ना मलिक एक सेकेंड मतलब नहीं मुझे कोई ऐसी किसी से प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस की है या नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो जाकर।
तो इसलिए उसकी हरकतों पर मत उतरो, इतनी उसकी हरकतों पर मत उतरो, इतनी उसकी हरकतों मत उतरो। आगे दोस्तों जिन्होंने बताया है कि संजय, अरे तुम भाई जब्बार को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, अनुशासनहीनता के कारण ये कार्यवाही की गई है और अब ये पार्टी में नहीं है अब्दुल जब्बार। लेकिन अब्दुल जब्बार का ये कहना है कि वे कांग्रेस के हैं और रहेंगे और इनको कोई अधिकार नहीं है पार्टी से निकालने का, और ये जो गलत कार्य करते हैं उनका ये हमसे विरोध करते हैं, इसलिए ये लोग उन्हें अपने रास्ते में रखना चाहते हैं।